हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बिकॉज यहाँ से लगातार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, जब इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पैसा लगाते हैं तो उन्हें प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिलता है, अ शेयर ऑफ प्रॉफिट उनको मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड। जैसे जो लोन होता है, लोन पे आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। बेसिकली ऐसे ही जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको रिटर्न के बदले में एक प्रॉफिट का छोटा सा या फिर बड़ा सा उनके शेयर्स के हिसाब से हिस्सा दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंड। सो अ डिविडेंड इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट अ कंपनी पे आउट टू इट शेयर होल्डर्स। सिंपल सी बात है। अब मेन मुद्दा ये होता है कि देखो, हमने जो मॉडर्न अप्रोच थी हमारी, हमने तीन हिस्सों में उसको बांटा था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पढ़ा था कुछ डिसीजन करंट एसेट के लिए होते हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट के लिए। करंट एसेट जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए है और जो फिक्स्ड एसेट है उसमें हम कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुकी हूं, यू कैन गो एंड वॉच और यू कैन चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दूसरा जो हमारा डिसीजन होता है वो फाइनेंस का डिसीजन होता है, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह से डील करते हैं। वो वाला टॉपिक भी मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूं। अब जो हमारा लास्ट ये होता है, ये डिविडेंड डिसीजन होता है। डिविडेंड डिसीजन में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको अलग डिसीजन क्यों माना गया है? देखो, एक सिंपल सी बात को समझो, कंपनी को मुनाफा हुआ, मान लो कंपनी को, हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि कंपनी को 1 लाख का मुनाफा हुआ, ठीक है। अब कंपनी के पास क्या चॉइस है कि उस 1 लाख में से वो अपने पास उसको रख सकती है या उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या तो अपने पास वो रिटेन करके रख ले या उस हिस्से को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर अब वो रिटेन क्यों करेगी, रिटेन कंपनी अपने पास इसलिए करती है क्योंकि अगर फ्यूचर में उसको कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उस प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगा के और ज्यादा बेहतर रिटर्न कमा सकती है और उस बेहतर रिटर्न को फिर वो शेयर होल्डर्स को भी दे सकती है। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो आपको क्या करना पड़ता है डिविडेंड डिसीजन में, आपको ये सोचना पड़ता है कि एक्चुअली में आपको जो अपना डिविडेंड है वो रिटेन करके रखना है या फिर आपको अपना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप तभी रिटेन करोगे जब आपके पास कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होगी, आप डिस्ट्रीब्यूट तभी करोगे, आपको पता है चलो हमारे पास कुछ है नहीं अभी करने को, इससे अच्छा तो हम क्या कर देते हैं, इससे हमारे पास कुछ है नहीं का मतलब है कि हमारे पास कोई अभी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, इनको दे ही देते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पे में अगर हम डिविडेंड को पे करेंगे, आप एक कंपनी हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोचती हूं, अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड से क्या होगा, अगर हम डिविडेंड को पे करेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं, बेसिकली जो प्रॉफिट्स में से ही तो हिस्सा जा रहा है ना, कंपनी ने बांट दिया वो पैसा, जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज होंगे। अब प्रॉफिट्स डिक्रीज होंगे तो वो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में पैसा नहीं लगा पाएगी, तो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में पैसा नहीं लगा पाएगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो इसमें उनको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप डिविडेंड की पेमेंट करोगे, अगर आप डिविडेंड की पेमेंट करोगे तो इससे आपका क्या होगा, अगर हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हायर डिविडेंड से आपकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको अगर अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देने पड़ेंगे। आपको जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उनको कोई ना कोई करंट इनकम मिलती रहती है। तो ये एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो या आप रिटेन करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ फायदा है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ फायदा है। तो अभी हम यही सब चीजें पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड का जो डिसीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अब ये जो डिविडेंड डिसीजन को ही सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, तो उनमें एक थ्योरी है डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी और एक जो थ्योरी का पार्ट है वो क्या है, डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन नेट के एग्जाम में यही बनता है कि रेलेवेंस थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरी आती है और इररेलेवेंस थ्योरी के अंदर कौन सी थ्योरी आती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं बच्चों कि जो अब इसको रेलेवेंस क्यों बोला गया है और इसको इररेलेवेंस क्यों बोला गया है। रेलेवेंस थ्योरी का मतलब है कि डिविडेंड का
और वैल्यू ऑफ फर्म का लेना देना है। डिविडेंड की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। मतलब डिविडेंड का वैल्यू ऑफ फर्म से कुछ ना कुछ लेना देना है, डिविडेंड की वैल्यू ऑफ फर्म को डिसाइड करने में कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, रेलेवेंस है। इसीलिए जो थ्योरीज हमें रेलेवेंसी दिखाती है डिविडेंड और वैल्यू ऑफ फर्म की, उसको हम बोलते हैं वॉल्टर मॉडल। और जो थ्योरीज हमें बताती है कि भाई डिविडेंड का और वैल्यू ऑफ फर्म का कोई भी लेना देना नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इररेलेवेंस थ्योरी। तो अब हमें क्या समझ आ गया कि भाई जो डिविडेंड है वो क्या होता है, इसमें हमारी जो कंपनी है वो डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसकी थ्योरीज क्या है। तो बच्चों लगातार इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वॉल्टर मॉडल। तो कोई भी थ्योरी होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, बेसिकली थ्योरी में सबसे पहला पार्ट होता है उसकी अजम्पशंस, ठीक है। उसके बाद होता है उसका कंसेप्ट, कि उसका कंसेप्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। फिर होता है उसका क्रिटिसिज्म। तो विदाउट ये जो है, इनमें से अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो, दैट मींस यू आर मिसिंग आउट ऑन द थ्योरी। सो यू हैव टू रिमेंबर, जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ते हो तो आप उसको पूरे तरीके से पढ़ो, उसके अजम्पशन को, क्रिटिसिज्म को, कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हम अजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। अजम्पशन मतलब क्या होता है, कि अगर आप ये चीज़ें अपनी थ्योरी में अज्यूम नहीं करोगे, ये चीज़ें अगर आप अपनी थ्योरी में नहीं मानोगे, तो आपकी थ्योरी किसी काम की नहीं है, वो एक्चुअली में वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहली अजम्पशन क्या है, कि जो भी इन्वेस्टमेंट जो लगाई जाती है फर्म के अंदर, वो फाइनेंस होंगी थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। मतलब कि जो भी आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाओगे, वो आपको फाइनेंस करने हैं रिटेन्ड अर्निंग से। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला था, कि दो ही तरीके हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट है, या तो कंपनी उसको रिटेन करेगी या उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पे बोला गया है, जो जितना भी आप पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, वो रिटेन्ड अर्निंग में से ही लगाओगे, ठीक है। कोई भी पैसा लगाने के लिए कोई भी नया इक्विटी आपको इश्यू नहीं करना है। उसके बाद हमारा है कांस्टेंट आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और मतलब इसमें जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है और कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आपका जो बिजनेस रिस्क है, अब आप ये सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, कॉस्ट तो ऊपर नीचे भी जा सकती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिजनेस रिस्क भी किसी डिसीजन में ऊपर हो सकता है, किसी में नीचे हो सकता है, किसी में ज्यादा, ऐसा क्यों। यही तो अजम्पशंस होती है बच्चों। अजम्पशंस में आप अज्यूम करके चल रहे हो कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो आपका रिटर्न रेट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। अगर आप वो चेंज कर देते हो तो ये थ्योरी काम नहीं करेगी। फिर है कांस्टेंट ईपीएस। ईपीएस मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। और डीपीएस क्या है, डिविडेंड पर शेयर। इसका क्या मतलब है, कि जब आप अर्निंग पर शेयर जो है आपका, डिविडेंड पर शेयर मतलब जितना डिविडेंड होगी, जितनी अर्निंग होगी, वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी ईपीएस डीपीएस मिलेगा, That would remain constant. चौथा पॉइंट क्या है, कि कंपनी की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट का मतलब क्या है, परपेक्चुअल है। परपेक्चुअल का मतलब क्या है, इट हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ। तो ये हमारी थ्योरीज की क्या है, कुछ अजम्पशंस है। तो अब आपका क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, आपको वो ये बोल सकते हैं, आपको पहले ऑप्शन में दे दिया ए, दूसरे में दे दिया सी, तीसरे में दे दिया ये, और आपसे पूछ यहाँ पे लगा दिया फाइनाइट लाइफ, तो आपको बोलेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। या फिर वो आपसे बोल सकते हैं ईपीएस डीपीएस कीप्स चेंजिंग, ठीक है, यहाँ ऐसा कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अजम्पशंस के अंदर वो कुछ ना कुछ चेंज करके आपको करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो हम अभी प्रीवियस ईयर भी करेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, देन यू विल कम टू नो अबाउट इट। फिर उसके बाद ये अब हमें अजम्पशन समझ आ गई, कि चलो ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सेम है, डीपीएस ईपीएस सेम है, इंटरनल फाइनेंसिंग इस्तेमाल होगी इसमें, ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड इट। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है, कि जो डिविडेंड पॉलिसीज हैं उनकी जैसे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म अफेक्ट होती है। अच्छा, ये बोल दिया, अब इसका कुछ ना कुछ रीजन भी तो होगा, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसकी वजह से आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो अफेक्ट होती है। वो कैसे अफेक्ट होती है वो हम देखेंगे। तो देखो, वो सिंपल सी बात बोल रहे हैं, ये अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका आर है, ये आपका के है। रिटर्न क्या है, कि जो आप पैसा लगा रहे हो किसी भी इन्वेस्टमेंट में, वहां से जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है, जहां से उतना पैसा वापस आ रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें अपनी तरफ से आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो, या अपनी तरफ से आप कितना पैसा लगा रहे हो। तो आपको ये बात समझनी है, कि देखो आपने लगाए
20 लाख रुपए, ठीक है, आपने लगाए 20 लाख रुपए और आपको मिल रहे हैं 30 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या है, आपने लगाए 20, तो जो आपने 20 लाख रुपए लगाए वो क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, और जो 30 आपको मिल रहे हैं वो क्या है, आपका रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि आपने लगाया है इतना के है ये, और ये आपका क्या है, आर है। तो यहाँ पे जो आपका कॉस्ट और सॉरी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में। इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, आप वो पैसा उस अपॉर्चुनिटी में लगा सकते हो और ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ। आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास ना 20 लाख रुपए आपका नेट प्रॉफिट आया है किसी भी कंपनी का, मान के चलो 20 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया है, 20 लाख रुपए नेट प्रॉफिट आया है। तो अब वो क्या सोचते हैं, यार ये नेट प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर ये नेट प्रॉफिट हम रिटेन करके रखें। तो अब वो देखते हैं हमारे पास रिटेन क्यों करें, हम हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिससे हम 25 लाख रिटर्न कमा सकते हैं, हमें रिटर्न मिल रहा है 25 लाख रुपए, और हमें सिर्फ लगाना कितना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ 20 लाख रुपए। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो कंपनी क्या सोचेगी, अरे हम एक काम करते हैं इस बार ना रिटेन करके रख लेते हैं पैसा, और ये जो 25 लाख की जो जो हमारी ये इन्वेस्टमेंट है ना जो हमें 25 लाख का रिटर्न दे रही है इसमें पैसा लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें इसमें 5 लाख रुपए बच रहे हैं, जो 5 लाख रुपए बच रहे हैं उनसे हम ज्यादा रिटर्न कमा के फिर ज्यादा दे सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को या फिर जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है। तो इस केस में क्या होगा, कंपनी ये सोचेगी चलो हमारे पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, तो हम क्या करते हैं अपना पैसा रिटेन कर लेते हैं। तो पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है, आप जिस रेशियो में पैसा देने वाले हो डिविडेंड, मतलब जिस रेशियो में आप डिविडेंड देने वाले हो, जिस रेशियो में आप शेयर होल्डर को पैसा देने वाले हो, उसको हम पे आउट रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप 100% पैसा क्या करोगे, रिटेन करोगे। तो वॉल्टर ने बोला कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है तो आपको क्या करना है, वो उस प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना है, अर्निंग रिटेन करके रखनी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका क्या होगा, जीरो। यहाँ पे डिविडेंड और जो है आपका क्या होगा, जीरो। सॉरी मैंने यहाँ 100% लिख दिया, क्योंकि आप जो है कुछ दे ही नहीं रहे हो शेयर होल्डर्स को। तो अब आपको समझ आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा मिल रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दोगे, आपका पे आउट रेशियो क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं आपको अगला केस बताती हूँ। अगले केस में क्या है बच्चों, यहाँ पे आप लगा रहे हो 20 लाख रुपए और रिटर्न आपको मिल रहा है 18 लाख रुपए। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, ये आपका के है, ये आपका आर है, तो आपका कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो आप कंपनी सोचेगी यार ये जो 20 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट था, या तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ या मैं रिटेन करूँ, पर लेकिन अगर मैं रिटेन कर रहा हूँ उल्टा मेरा 2 लाख का नुकसान हो रहा है, इससे बढ़िया तो मैं डिविडेंड शेयर होल्डर्स को ही बांट दूँ। तो यहाँ पे जो आपका पे आउट रेशियो होगा यहाँ पे 100% होगा, मतलब जो भी आपका सारा का सारा पैसा है आपने दे दिया। अब आप ये मत सोचना कि इसमें आधा पैसा दे सकते हैं, पूरा पैसा दे सकते हैं, इसमें आइदर आपको जो है सारा का सारा पैसा अपने पास रखना होगा या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्टर मॉडल में हम ये चीज अज्यूम करके चलते हैं। तो अब हमें समझ आ गया इस केस में हमारा पे आउट रेशियो कितना होगा, 0%, इस केस में हमारा पे आउट रेशियो कितना होगा, 100%। अब हमारे पास आता है भैया 20 लाख हम लगा रहे हैं और 20 लाख ही हमें मिल रहा है, तो हमारा आर और के क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा कि डिविडेंड पॉलिसी का वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जीरो भी रख सकते हो पे आउट रेशियो, आप कितना रख सकते हो, 100% भी पे आउट रेशियो रख सकते हो। तो वॉल्टर मॉडल समझ आया, क्या था वॉल्टर मॉडल, कि आपको सबसे पहले एजप्शन जितना भी पैसा आएगा रिटेन अर्निंग के थ्रू आएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एजम्पशन है सेम रहेगा, ईपीएस डीपीएस सेम रहेगा, इनफाइनाइट लाइफ रहेगी। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि आप आइदर आप 100% पे आउट रेशियो दोगे या फिर आप 0% पे आउट दोगे, आप बीच का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर वॉल्टर ने बोला कि आर जो है वो बड़ा है, तो आप सारा का सारा पैसा जो है वो अपने पास रिटेन कर लो, पे आउट जीरो रहेगा। अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप एक काम करो सारा डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे दो, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आप एक काम करो आपकी मर्जी, आप 0% रखो पे आउट 100% रखो, हमें कोई फर्क नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये दोबारा से मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो ये जेम्स सी वॉल्टर ने ये मॉडल बनाया, ठीक है, और उन्होंने बोला डिविडेंड पॉलिसी हैज एन इफेक्ट ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। फिर उन्होंने बोला कि कंपनी जो हायर डिविडेंड देगी उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम ज्यादा होती है, और जो डिविडेंड नहीं देगी उसकी बिल्कुल ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि अगर देखो आपका ये रिटर्न ज्यादा है,
रिटर्न ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, इस बात को कंफ्यूज नहीं होना इस चार्ट को देख के। मैंने क्या बोला था, रिटर्न अगर आपको ज्यादा मिल रहा है किसी चीज में, आप पैसा लगा रहे हो, तो आप क्या करो, 0% पे आउट करो, ठीक है। 0% क्या करो, पे आउट करो। जो भी सारा का पैसा है वो अपने पास आप रिटेन करके रख लो, ये सारा का सारा, ताकि आप वहां पे अपॉर्चुनिटी में लगा सको। बट लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप जो है अपना पे आउट बढ़ाते हो इसके बावजूद, वॉल्टर ने बोला है आपको जो है आप पे आउट अपना जीरो रखना है, बट फिर भी आप अपना रिटर्न जो है वो बढ़ाते हो, पे आउट को 100% करने की कोशिश करते हो, तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट लेकिन जैसा कि वॉल्टर ने बोला है कि आप अपना पे आउट जीरो कर दोगे, तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, डिक्रीज इंक्रीज होगी। समझ आया? वॉल्टर ने क्या बोला कि अगर आपका रिटर्न जो है वो ज्यादा है, तो आप पैसा इन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में लगाओ, और अगर आप नहीं लगाते हो तो वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होगी, अगर आप लगाते हो तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे वही चीज दे रखी है, अगर आप पे आउट को इंक्रीज करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होगी, अगर पे आउट को डिक्रीज करोगे वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी। अब ऐसा ही ये केस है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने पास एक रुपया भी नहीं रखना, 100% पे आउट करना है। बट लेकिन अगर यहाँ पे आप पे आउट को इंक्रीज करोगे, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, फर्म इंक्रीज होगी। बट लेकिन अगर इस 100% पे आउट को आप डिक्रीज करोगे, तो आपकी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो हमारा ये इक्वल होता है, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है वॉल्टर मॉडल का। प्रीवियस ईयर में हम सारे इसके देखेंगे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी बन के आ सकता है वॉल्टर मॉडल में से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, डिविडेंड अपॉन में आपका क्या होता है, के होता है, प्लस आर ई माइनस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय के अपॉन के। देखो आप इसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो, डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी अपॉन के, ठीक है। इतना ज्यादा लिखने से बढ़िया आप क्या करो, सीधा ये जो है आप इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। बात वही है कि इनको अलग अलग डिवाइड डिवाइड तो करना ही है, तो दोनों को एक ही के से डिवाइड कर दिया, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है। तो ये चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे ये जो डी स्टैंड फॉर डिविडेंड आपका, ई स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, जो भी आपका ईपीएस होता है, उसके बाद जो ये के स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक एग्जाम्पल मान लो, आपको कहीं पे रिटर्न दिया है 0.15 और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 0.10 और आपकी अर्निंग पर शेयर है कितना, 10। तो देखो आपको सिंपल सी बात है, एक चीज मैंने आपको समझाई थी, अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आपका रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न कितना है, 0.15 है, तो आपको प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाओगे, तो आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी होगी, जीरो होगी। तो आप वॉल्टर मॉडल से हम देखते हैं वैल्यू ऑफ फर्म कितनी होगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, डी प्लस यहाँ पे आर डिवाइडेड बाय के, सिंपल है, मैंने आपको बहुत सिंपल कर दिया फॉर्मूला, अपॉन में के, ठीक है, ये पूरा। तो डिविडेंड हमारा कितना रहेगा, जीरो रहेगा, प्लस रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है, 0.15 यहाँ पे डिवाइडेड बाय के कितना है, 0.10, ई कितना है हमारा, 10 माइनस 0 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 0.10। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, फिर आपके पास बचेगा क्या है, यहाँ पे 5 3 जा, ये 5 2 जा, तो इस तरीके से यहाँ पे 3/2 यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.10। इसको आप फटाफट सॉल्व करोगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 150। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 150 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ से ये गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये 100 आ गया, यहाँ से यहाँ कट गया, आंसर कितना आया, 150 आया। देखा मैंने बोला था सॉल्व करोगे तो 150 ही आएगा। तो ये इसीलिए वॉल्टर ने बोला कि अगर आपका रिटर्न ज्यादा है, तो आप अपना पे आउट जीरो रखो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है, मान लो रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 0.10 और यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 0.10 है, मतलब और हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो भी क्या है, हमारा 10 है। तो अब इसमें आपके ऊपर है कि आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो या फिर आप जीरो भी रख सकते हो। तो इसमें भी अगर हम सॉल्व करें फॉर्मूले से, तो हमारी वैल्यू जो है ज्यादा चेंज नहीं होगी। जैसे जो ये वाला केस था,
इसमें रिटर्न आ रहा था तो फर्म की वैल्यू हमारी क्या है 150 आ रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्म की वैल्यू क्या आएगी, डी हमारा क्या है यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे हमारा ये डी अपॉन में के होता है, तो के हमारा क्या है यहाँ पे 0.10, ठीक है। आर भी 0.10 है, के भी 0.10 है। मान लो हम, मैंने मान लिया डिविडेंड पे आउट हमारा जीरो है क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये हुआ, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पे ये कट गया हमारा सीधा, यहाँ पे ये 10 आ गया, यहाँ पे 0.10 आ गया, ये यहाँ पे जाएगा 100 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, 100 होगी। तो अगर आपका आर इज इक्वल टू के होता है तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पहले भी 100 थी, अभी भी 100 ही रहेगी। इसके बाद मान लो अगर आपका जो रिटर्न है वो 0.8 है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये 0.10। अब यहाँ पे आपका ये जो है मान लो 10 है। तो देखो पहले केस में क्या था कि हम डिविडेंड पे आउट क्या कर रहे थे, जीरो रख रहे थे, तो हमारे फर्म की वैल्यू कितनी आई थी, 150 आई थी। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, फर्म फिर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू 10 आई थी। तो अब देखो मैं आपको एक चीज करके बताती हूँ, यहाँ पे हमारा रिटर्न कम है। रिटर्न कम होने के बावजूद मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका रिटर्न कम आ रहा है तो आप एक काम करो, सारा का सारा पैसा बांट दो, पे आउट रेशियो अपना कितना रखो, 100% रखो। पर इस केस में मैं आपको बताऊंगी जीरो मान के। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप खुद देखना कि आपकी वैल्यू पे कितना फर्क आएगा, खुद ये चीज करके देखना। तो यहाँ पे जीरो है, मान लो हमारा डी क्या है, जीरो मान लो। अभी मैं बस आपको एक वैल्यू के ऊपर इफेक्ट दिखा रही हूँ, ये आपका रिटर्न है 0.08, फिर ये कितना है 0.10, ये वही फॉर्मूला होगा आपका डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई अपॉन ई माइनस डी अपॉन में के। तो यहाँ पे हमारा ये ई कितना है, ई हमारा है 10, डी कितना है जीरो, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 0.10, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 8 10 इंटू में हमारा क्या आ जाएगा 10, ये कितना है 0.10, तो 10 से 10 कट गया, ये यहाँ पे गया 100, ये 80। तो अब आप खुद देखो सी की वैल्यू कितनी है, 80। तो कहने का मतलब क्या है, ये अब मैंने आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके भी बता दिया है कि जब आपका रिटर्न ज्यादा हो तो आपको आपका डिविडेंड पे आउट कितना रखना है, जीरो रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, बढ़ेगी। बट लेकिन अगर आपका रिटर्न जो है कम है और कॉस्ट ज्यादा है तो आपको सारा का सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म जो है क्या होगी, वैल्यू ऑफ फर्म आपकी कम होगी। अगर आप यहां देखो, यहां पे हमारा क्या था, रिटर्न कम था। अगर हम यहां पूरा का पूरा पैसा पे आउट करते तो आपकी वैल्यू जो है वो कहीं ज्यादा आती, आपकी वैल्यू जो है वो क्या आती, कहीं ज्यादा आती, अगर आप उसको क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करते। तो समझ आ गई बात, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो देखो दोबारा से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है ताकि फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन ना हो, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले से उठ के आ सकता है। आपको बस याद रखना है ये फॉर्मूला है सिंपल सा, ई माइनस डी। के से डिवाइड करोगे, डी से शुरू होगा फॉर्मूला, डी से एंड होगा, सिंपल सी बात है। डी से शुरू करो फॉर्मूला, डी से एंड करो, डिवाइड करो के से। अब यहां बचेगा क्या, बीच में आर, दोबारा डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंपल सा ये हमारा फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्पेशली एक क्वेश्चन भी रख रखा है ताकि आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, फिर बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं यार क्या दे रखा है, हमने तो ऐसा कभी अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कंपनी का ईपीएस कितना है, ₹15। मार्केट वैल्यू क्या है, द मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट एप्लीकेबल इज 12.5%। हमें यहाँ पे मार्केट रेट ऑफ डिस्काउंट भी गिवन है, रिटेन अर्निंग हमारी कितनी हो सकती है, रिटेन अर्निंग जो है वो इन्वेस्ट होगी। आईआर, देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला हुआ है, सीधा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है। आपको करना क्या है, देखो मेरी फोन की, लैपटॉप की बैटरी बहुत कम है, मुझे वीडियो यहीं का एंड करना पड़ेगा। मैं फटाफट से एक क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आपका ईपीएस कितना है, ₹15। यहाँ पे आपका जो मार्केट रेट है वो क्या है, 12.5%, और आईआरआर कितना है आपका, 10%। तो ये जो आपका मार्केट रेट है, ये आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो है आईआरआर, ये क्या है, रिटर्न। ये आपका क्या दे रखा है, ईपीएस दे रखा है ₹15। कंपनी इज पेइंग आउट ₹5 एज अ डिविडेंड। तो अब आपके पास डी
सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो. मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया था बच्चों, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. एंड चलो मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करा देती हूँ, फिर ही मैं इसको जो है ख़त्म करूँगी. देखो यहाँ पे हमारा EPS क्या है. EPS हमें दे रखा है ₹15, और हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 12.5%, और हमें रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%. तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है. डिविडेंड भी हमें दे रखा है, मतलब जो जो चीज़ें हमें चाहिए. डिविडेंड चाहिए ₹5 दे रखा है, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए 12.5% दे रखी है, हमें रिटर्न चाहिए हमें 10% दे रखा है, हमें क्या चाहिए और हमें EPS चाहिए वो भी हमें दे रखा है कितना 10 15. तो अब हमें क्या करना है, सीधा वैल्यूज़ पुट कर देनी है. वैल्यूज़ आप कैसे पुट करोगे, फॉर्मूला क्या था आपका, डी डी कितना है आपका 5, ठीक है. यहाँ पे प्लस में ई लिखते थे, ई कितना है आपका, ई जो है ई माइनस डी 15 माइनस क्या है आपका 5. देखो सिंपल सा फॉर्मूला ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ आर डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी अपॉन में के, ठीक है. ये फॉर्मूला है. डी कितना है हमारा यहाँ पे 5 है. रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना है 10% है. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0.10, क्योंकि उसको परसेंट को चेंज करेंगे. क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है 12.5, तो 12.5 को हम क्या करेंगे परसेंट को चेंज करेंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 0. तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.15. उसके बाद हमें क्या लिखना है EPS, EPS कितना है हमारा 15, और हमारा D कितना है 5. पूरे को हमें डिवाइड करना है K से. तो ये जो है आप इसको K क्या है आपका, अगेन K इज दिस 12.5%, ये आपका क्या है 12.5%. तो अब आप इसको सॉल्व कर देना, ये पूरा जो है आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा. आंसर कितना आएगा 104. बस इसमें सॉल्यूशन की प्रॉब्लम है आपकी, वरना क्वेश्चन में वैल्यूज़ आप आसानी से क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो. तो ये वॉल्टर मॉडल हमें क्या बोलता है बच्चों, वॉल्टर मॉडल हमें यही चीज़ बोलता है कि अगर हमारी ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो आप क्या करो, आपकी फर्म के पास जो है एक्सपेंशन के चांसेज हैं, इन्वेस्टमेंट के चांसेज हैं, तो आप पैसे को क्या करो जो है डिस्ट्रीब्यूट मत करो, 0% अपना पे आउट रखो. नॉर्मल फर्म है आपकी मर्जी है, डिक्लाइनिंग फर्म है 100% आप क्या दो पैसा बांटो. तो ये हमारा क्या है, इम्प्लीकेशन ऑफ वॉल्टर मॉडल. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, गॉड